आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है। मैं आपका ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र धौरहरा के विधानसभा क्षेत्र हरगांव और धौरहरा में आई हुई बाढ़ की तबाही पर आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदया, मोहना और सुहेली नदी जो नेपाल में स्थित है, नेपाल सरकार जब मनाता है तब 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ देती है और उससे पूरे पीलीभीत से लेकर के पूर्वांचल तक और फिर बिहार होते हुए बाढ़ की तबाही होती है। अच्छा लगा बाढ़ में बिहार के लिए चिंता व्यक्त की गई, बजट दिया गया, लेकिन बिना नेपाल सरकार के साथ बैठे हुए, बिना पानी और का प्रबंधन किए हुए बाढ़ का इंतजाम नहीं हो सकता है। महोदया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार को नेपाल सरकार के साथ बैठ करके कोई समग्र ऐसी रणनीति बनानी चाहिए। और जहाँ तक सवाल उत्तर प्रदेश का है, मैं कहना चाहता हूँ, बाढ़ जब आती है तो अपने साथ सिर्फ बाढ़ का पानी लेकर के नहीं आती है, बल्कि तबाही लेकर के आती है, बीमारी लेकर के आती है, कटान लेकर के आती है। बाढ़ से जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ का जनजीवन हर साल शुरू होता है और हर साल नए सिरे से जिंदगी हर साल व्यवस्थित होती है। इसलिए अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, जो राशि है, जो मुआवजे की राशि है वो भी बढ़ाई जाए, जो बीमारी है उसका दवाई का इंतजाम कराया जाए, बाढ़ राहत सामग्री के नाम पर केवल मजाक न बनाया जाए आमजन बीमल का, बल्कि उनको पर्याप्त सामग्री मुहैया कराई जाए। आपने मौका दिया, धन्यवाद। इस मुहर्रम के जुलूस की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जिसको कि हमारे हजरत अली रज़ियल्लाहु के बेटे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ने शहीद होकर के हक और इंसाफ को बचाने का काम किया था। लेकिन अफसोस की बात है, इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे संबल मुरादाबाद में भी कि उस जुलूस को मनाने में अड़चन पैदा की गई, एक तानाशाह आदेश जारी किया गया कि उस जुलूस को आप परंपरागत तरीके से नहीं मना सकते। और संबल मुरादाबाद अमरोहा संबल कुंदर की बिलारी असबूरी और चंदोसी के अंदर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जो उत्पीड़न पैदा किया, बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, उन्होंने लोगों को धमका करके उसकी हाइट कम करके उनके खिलाफ कार्रवाई की। मैं कहना चाहता हूँ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हम सबके धर्मों का, हम सबके धर्मों की इज्जत करते हैं, हम कांवड़ यात्रा निकल रही है, हमें उससे कोई परहेज नहीं है, लेकिन मीट की महासचिव मेरे गोरखपुर परिक्षेत्र में खलीलाबाद बस्ती ट्रेन का टिकट महीनों तक, दो तीन महीने माननीय रेल मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं कि दो तीन महीने रेल का टिकट कंफर्म नहीं होता, वहां ट्रेनें बहुत कम चलती हैं, जो यात्री हमारे क्षेत्र के गोरखपुर परिक्षेत्र के वो परेशान रहते हैं, टिकट कंफर्म नहीं होता है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से चाहता हूँ कि गोरखपुर परिक्षेत्र में खलीलाबाद बस्ती अन्य जगहों पर रुकने के लिए और ट्रेनें चलाई जाएं और यात्रियों को सुविधा हो और सबको जल्दी टिकट कंफर्म हो, मैं यह ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं माननीय रेल मंत्री जी से, मैं संत कबीर नगर जनपद से आता हूं, वहां खलीलाबाद जो जिला है, रेलवे स्टेशन है, वहां से नई रेल पटरी बननी है, 15 वर्षों से उस पर काम हो रहा है, लेकिन आज तक वहाँ काम नहीं शुरू हुआ है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से बताना चाहता हूँ कि 15 साल से वहाँ शिलान्यास, आप तो मांग रखिए शिलान्यास हो चुका है, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि वो जो नई रेल पटरी बननी है उसको तत्काल शुरू करा करके उस क्षेत्र का विकास हो। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। अरे यहाँ चिन्हित करके, और मैं पीड़ा में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ सुनवाई नहीं है। एक बात से पक्ष हो या विपक्ष सहमत होंगे कि मैंने पत्र भी लिखा जिलाधिकारी को कि जिन जिला स्तरीय मीटिंग में सांसद की उपस्थिति अपेक्षित हो, सदन के कार्रवाई के दौरान ऐसी मीटिंग न रखा जाए। अधिकारी सुनते नहीं है, ऐसी मीटिंग ये होती है कि जब जनता पर जुल्म हो या कोई परेशानी हो तो उन मीटिंग में रखा जाए। हमारे यहाँ
दलित और मुसलमान लोगों के घरों को चिन्हित करके एक 400 मीटर में लगातार बुलडोजर का काम हो रहा है, हाई कोर्ट का उल्लंघन हो रहा है। लिखित हम लोग पीड़ा ये है कि हम तीन तीन सांसद और पांच पांच विधायक और पदाधिकारियों के साथ हम गए डेलीगेशन लेकर, कोई अधिकारी घटनास्थल पर आया नहीं, एक सिपाही तक नहीं आया। मैं पिछली बार जब आया उसके पहले मीटिंग रख दिया गया, इस बार आया हूँ मैं रिटर्न में देकर आया और मुझे फ़ोन आता है। मैंने कहा कि महीने की जो मीटिंग है जरूरी तो नहीं 22 तारीख से हो जाएगी, हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या है, हमारा है। माननीय सदस्य जी मांग रखिए, जो मांग रखना चाहते हैं वो रखिए। वह बात कर लो ना, बात कर लो, मैं मांग रख देता हूँ। मांग एक ही है, हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या है, गांव के गांव मधुबन इलाके में डूब रहे हैं, कटान है, हमारे यहाँ ये बुलडोजर चल रहे हैं। सांसदों से जनता अपेक्षा करती है कि उनकी बात कही जाएगी, प्रशासन नहीं सुनता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कम से कम पीठ से और संसदीय कार्य मंत्री से जिला के अधिकारियों को निर्देश दे दिया जाए, जो पहले से है कि बार बार अगर बैठकों से आप जान बूझ कर सांसद को, चूंकि विपक्ष का है, धन्यवाद माननीय सदस्य, धन्यवाद। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं पार्लियामेंट के सामने वाली मस्जिद में अपने देशवासियों के लिए सेहत की दुआ करता था, अब मुझे ये अवसर रामपुर की आवाम ने दिया है जहाँ से मैं चुनकर आया हूँ, कि उनके लिए सबसे पहले मैं उन सब के लिए ये आपके माध्यम से, आपके मारिफत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि रामपुर एक बड़ा गरीब जिला है, वहाँ बहुत बेरोजगारी है, इलाज के लिए लोगों को दर बदर जाना पड़ता है, मुख्तलिफ रियासतों में जाना पड़ता है, और जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है उसकी हालत इंतहाई काबिले रहम है, जिसमें डॉक्टरों और मशीनों की बेहद कमी है। मैं आपके मारिफत से जनाब वजीर सेहत उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो रामपुर में एक एम्स जैसा अस्पताल, और पूरे ज़िले में कोई मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, जिसकी वजह से दिल्ली के अस्पतालों में ज़्यादातर मरीज रामपुर उसके आसपास के ज़िलों के होते हैं, और वहाँ बेहद परेशानी होती है, रोज़ाना हम बात हो रही हैं, रोज़ाना। और हम लोग सिवाय ख़त लिखने के, या थोड़ा डॉक्टर भी बहुत प्रेशर में रहते हैं, वो क्या करें। इसलिए मैं आपके तवस्सुस से अपने उन इलाके और ख़ासतौर पर रामपुर ज़िले में एक ऐसा अस्पताल जो तमाम आसपास के ज़िलों के बोझ को और कैपिटल के अस्पतालों के बोझ को भी कम करे, जिसका ख्वाब माने हमारे स्वर्गीय वजीर आजम जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था कि देश में एम्स की तरह के अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो। तो रामपुर में अगर आपके तवस्सुस से मोहतरम वजीर साहब फैसला लेंगे तो ये हम सब के लिए बहुत आपकी तरफ से और पूरे देश की सबसे बड़ी जो हमारी कानून साज असम्बली है, इसकी पार्लियामानी असम्बली है, इसकी तरफ से ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए और रामपुर की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। और चूंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बराबर की मस्जिद में अपने देश के तमाम मरीजों के लिए दुआ करता था, और ये मेरी पहली मांग है। अगर इसको जनाब वजीर तवज्जो देंगे तो ये मेरी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा और मेरे जिले के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। थैंक यू।